कोरोना महामारी दे दौर दे विच हर एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खासकर जेकर तुसी पॉजिटिव हो जाते हो या फिर ठीक भी हो जाते हो, उस तो बाद ही अपनी डाइट का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। अजिहे दे विच की कुछ खाना चाहिए है, खासकर अजिहे पेशेंट जिन्हों को कोई ना कोई कोमोबिटी है या फिर डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है या फिर हार्ट दे मरीज हो, उन्हों की डाइट जी मेनटेन करनी भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ये जानने के लिए साढ़े नाल मौजूद ने डाइटिशियन शोविका नागपाल। शोविका, जेकर गल की जाए कि इस दौर दे विच की कुछ अपनी डाइट दे विच इंक्लूड करना चाहिए, चाहे वो नॉर्मल पेशेंट हो गए वे या फिर इसमें कोई होर कोमोबिटी भी हो गए। देखो, नॉर्मल डाइट्स के नाल अगर असी कोविड में भी देखे या कोविड के नाल नॉर्मल डेज में भी देखे तो सब तो जरूरी है कि असी अपनी डाइट के विच की न्यूट्रिशन लै रहे हैं। न्यूट्रिशन भी हुण इदा मिल सकता है कि अगर साडी मील्स प्रॉपर बैलेंस्ड है, ठीक है, और प्लस साडी इम्यूनिटी सिस्टम साडा की चल रहा है, वीक चल रहा है, स्ट्रोंग चल रहा है या किदा चल रहा है। सो सब तो पहले असी इम्यूनिटी सिस्टम नूं बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग बनाना है। स्ट्रोंग असी किदा बना सकते हैं? अपनी बैलेंस मील्स नूं लै के, राइट। अगर असी बैलेंस पोर्शन खा रहे हाँ तो बैलेंस पोर्शन के विच इदा होना चाहिए कि साड़ी डाइट के विच साड़े न्यूट्रिशन कंप्लीट है, न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट है। लाइक हुण सानू डाइट के विच साड़े फैट्स भी चाहिए है, कार्ब्स भी चाहिए है, मिनरल्स भी चाहिए है, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए है। कि असी इन्हों का इनटेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ की मतलब सानू पता होना चाहिए इस चीज़ लिए कि असी की खा रहे हैं की नहीं खा रहे हैं। सो इम्यूनिटी बूस्टर लिए असी सब नू यही सुजैसट करते हैं कि अपनी बॉडी नू डिटॉक्सीफाई करवाओ। डिटॉक्सीफाई करवाने के भी साढ़े को अलग अलग तरीके है, लाइक हर डिजीज़ का काफ़ी सारे डिटॉक्सीफिकेशन मैथड्स है जो अभी डिटॉक्स दसते हैं अलग अलग, राइट। लाइक ओबीस परसन लिए भी है, डायबिटिक पेशेंट्स लिए भी है। लाइक अजकल देखा जाता है कि कोविड के ड्यूरिंग लोग लॉकडाउन करके घर बैठे है, सो कम नहीं हैगा है ना किसी को भी। सो की है कि अंदर बैठे बैठे तो लोगों का स्ट्रैस बहुत वध रहा है, सिर्फ एक कम नहीं हैगा है ना, स्ट्रैस वध रहा है। स्ट्रैस करके डिप्रैशन लोगों को ज़्यादा हो रहा, डिप्रैशन के मरीज हो रहे हैं। वो स्ट्रैस की है कि साड़ी बॉडी नू हावी कर रहा है। सिनेमन वाटर, दालचीनी वाला पानी साड़े शरीर लिए बहुत अच्छा है। इन्हां दिनों दे विच अगर किसी नू कोविड का कोई शिकार भी हो रहा तो उन्होंने लैमन वाटर बहुत अच्छा है। किन्ने अपने को जिन्हें भी ला लो कि सिट्रिक फूड्स हो गए या सिट्रिक फ्रूट्स हो गए, वो बहुत अच्छी हेल्प कर रहे हैं साडे इम्यूनिटी सिस्टम नू बूस्ट करन दा, एनर्जी देंदे आ साडी बॉडी नू, जिस नाल की कि असीं इन्हां चीज़ां नाल लड़ सकते हैं। सब तो पहला कि अगर असीं गल करिए दिन दे शुरुआत दी, तां तुसीं अपने डिटॉक्सीफिकेशन मैथड्स तों ही स्टार्ट कर सकते हो। अपनी बॉडी नू सुबह उठ रहे हो तां अर्ली टू बैड, लाइक तुसीं अपना उह लै रहे हो डिटॉक्स वाटर लै रहे हो। डिटॉक्स वाटर तों बाद तुसीं अपना ब्रेकफास्ट मील अपना टाइम ते लै रहे हो। ब्रेकफास्ट विच लाइक तुसीं मिल्क ओट्स लै ले या म्यूसली मिल्क लै ली, बैलेंस मील लै लिया। बैलेंस मील दे विच लाइक इनकलूड कर सकते हो कोई भी हैल्दी परांठा, लाइक पनीर दा, जौ वाली परांठी, अनार दे रायते दे नाल लै ली। कुछ ऐदा दे एग्जाम्पल्स अपनी डाइट विच इनकलूड कर सकते जिन्हां तों सानूं न्यूट्रिशन भी कंप्लीट मिले, कैल्शियम भी पूरा हो सके, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पूरे हो सकन। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दा मतलब है कि असीं मिनरल्स विटामिन कंप्लीट खा रहे हैं। उदों बाद तुसीं 11 तों 12 दे विच विच अपना फ्रूट टाइम रख सकते हो, जिंदे विच मतलब साडे अंदर फाइबर भी जा रहा है, इत्थे साडी बॉडी दा फाइबर भी कंप्लीट हो रहा है। दैन लंच मील दे विच तुसीं अपना प्रॉपर लंच मील करो। लंच मील दे विच इदां हो सकदा है कि तुसीं एक या दो जौ दी चपाती लै लो, नॉर्मल वेज रखो जो साडे घर नॉर्मल रूटीन दे विच बनदी है, लैमिनेट सैलड रख सकते हो प्लस कर्ड रखो। चपाती की जगह पर तुसीं अपना राइस भी रख सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। अगर तुसीं चपाती नहीं खानी तो उन्ना ही पोर्शन दे विच तुसीं 250 या 350 ग्राम दे इन बिटवीन तुसीं अपना राइस का वो रख लिया, पोर्शन रख लिया। कर्ड आ गई मतलब कि थोड़े को मिल्क प्रोडक्ट भी आ गया, सो इदा थोड़ी बैलेंस मील कंप्लीट हो रही है। जिन्ना तुसीं ग्रीन वैजीटेबल्स का इनटेक करोगे उन्ना अच्छा है। नहीं डायरेक्ट खाया जाता, उनकी प्यूरी बना लो, सूप बना लो, एक इदा की मोडिफिकेशन दे दो। या जब भी असी अपने नॉर्मल घर के डो गुन रहे हैं, आटा बना रहे हैं, है ना, तो उनके भी कुछ इदा के ग्रीन इनग्रीडियंट्स पाते या वैजिज इदा की पाती हैं या प्यूरी बना के पाता तो एक आटा भी साडा हैल्दी हो रहा है। हुण बच्चों का न्यूट्रिशन किदा कंप्लीट कर सकते हैं? बच्चों सीरियल्स दे के, लाइक मिल्क दे विच तुसीं अगेन ओट्स ऐड कर सकते हो, बच्चों लई बहुत अच्छे ने, मोस्टली ऐड कर सकते हो, बहुत अच्छी है। और अजकल तो बेबीज़ लई वैसे भी लाइक सारा अलग डाइट्स हो गई, सीरियल्स अलग अलग तरह के आ रहे हैं। फ्रूट एंड नट्स तुसीं मतलब राती सोक्ड करके या तो पानी दे विच रखो या मिल्क दे विच रखो, ओट्स डिप करके रख सकते हो। एंड अर्ली मॉर्निंग जब भी उन्होंने मील देना ब्रेकफास्ट का, सो दैट कि वो हैल्दी रहन, है ना। ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है बच्चों लिए। तो बिल्कुल तुसी सुनिया कि किवें अपनी डाइट का ख्याल रखा जा सकता है।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਡਾਇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ETV ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।